समस्तको प्रभु श्री ख्रीष्टको नामरे प्रेज द लॉर्ड। ए सुंदर समय मु ईश्वरको नाम धन्यवाद दिए कारण ईश्वर ए सुंदर समय दिएछन्ते। आज आमे माने शारीरिक मनुष्य बा शारीरिक व्यक्ति एवं आत्मिक व्यक्ति विषय माने अध्ययन करियो। ए वीडियो टिको आपन माने शेष पर्यंत देखंतु। यदि आपन माने आमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना आती ताहले सब्सक्राइब करंतु। आसंतु आज बाइबल अध्ययन माने आरंभ करियो। ए वीडियो रे मु आपन मान को शारीरिक मनुष्य एवं आत्मिक मनुष्य विषय रे केतुटी पॉइंट आपन मान को मु कहिबी। आपन नीचे बाइबल को भलो भाबरे अध्ययन करंतु एवं आत्मिक जीवन रे आगो को उन्नति करिया पाए प्रयास करंतु। आसंतु आज बाइबल अध्ययन आम मैंने आरंभ करवा। प्रथम आम शारीरिक मनुष्य विषय देखा। नंबर एक शारीरिक मनुष्य शारीरिक विषय मनोजोग करे। रोमियो अध्याय 8:5। नंबर दुई शारीरिक मनुष्य शारीरिक स्वभाव अनुसार आचरण करते। प्रथम करती अध्याय 3:1-3। नंबर तीन शारीरिक व्यक्ति पापर कृतदास अटे। रोमियो अध्याय 7:14। नंबर चार शारीरिक भाव ईश्वर विरुद्ध शत्रुता अटे। रोमियो 8:7। यदि आम मैंने शारीरिक भाव अनुसार जीवन जापन करूछु ताहले आम ईश्वरंकर विरुद्ध कार्य करूछु। जदि एक शारीरिक मनुष्य शारीरिक भाव अनुसार सदा सर्वदा अपना जीवन काटिबो ताहले से ईश्वरंकर विरुद्ध शत्रुता करूछि। रोमियो 8:7 पदरामे देखिबा पाइबा। नंबर पांच शारीरिक मनुष्य शरीरर उत्पन्न क्षण शस्य काटिबो। जदि आम शारीरिक भाव में बुणीबा ताहले आम शारीरिक भाव फल को उत्पन्न करवा। जदि आम आत्मिक भाव में बुणीबा ताहले आम आत्मिक भाव फल को उत्पन्न करवा। गलातीय अध्याय 6:8 पदरे लिखाई। एबे आम आत्मिक मनुष्य विषय देखिबा। नंबर एक आत्मिक मनुष्य आत्मार जात हो। जहन समाचार अध्याय 3:6 पद। नंबर दुई आत्मिक मनुष्य आत्मिक विषय मनोजोग करती। रोमियो अध्याय 8:5 पद। जे कि आत्मिक से सदा सर्वदा आत्मिक विषय मनोजोग करें वाक्य अध्ययन करें प्रार्थना करें आज्ञाकारिता होता है। नंबर तीन आत्मिक व्यक्ति व आत्मिक मनुष्य पवित्र आत्मा द्वारा मुद्रांकित हुई अच्छी। अध्याय 1:13 पद। आत्मिक मनुष्य आत्मारे परिपूर्ण ही ईश्वरंकर महिमा करता है। जे कि आत्मारे परिपूर्ण से सदा सर्वदा कौन करता है ईश्वरंकर महिमा करता है और ईश्वरंकर सेवा करता है। एपिसियो अध्याय 5:18-19 पदर आम देखा पार। शेषे आम गोटे वाक्य अध्ययन करवा। रोमियो अध्याय 8:6 पद। कारण शारीरिक भाव मृत्युजनक किंतु आत्मिक भाव जीवन व शांतिदायक। ए पदरे आम मैंने देखल शारीरिक भाव मृत्युजनक अटे और आत्मिक भाव जीवनदायक। आज अध्ययन द्वारा प्रभु श्रीकृष्ण आपण मानक आशीर्वाद करतु।